जोहार रायपुर में सबो दर्शक मन के स्वागत है। मैं हूं रिया। अब बढ़तन खबर मंडहर, सबले पहले देखथन खबर के सुर्खी ला। छत्तीसगढ़ ला मिलीस अंत्योदय एक्सप्रेस के सौगात, मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री हरा झंडी दिखा के करिस शुभारंभ। 1.25 लाख लीटर शराब हुई जमीन दोज, कोर्ट के आदेश के करे गयी पालन। और ऑक्सी रीडिंग जोन में युवा मन बढ़े 50,000 किताब, प्रतिभागी युवा मन ला नई पढ़ी भटकना। और अब देखथन खबर विस्तार ले। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्र रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहाई मंगलवार के रायपुर रेलवे स्टेशन ले अंत्योदय एक्सप्रेस रेल सेवा के शुभारंभ करीस। हालांकि यह ट्रेन दुर्ग ले फिरोजपुर तक चली, फिर एक शुभारंभ रायपुर ले करे गयी। एक बाद ये ट्रेन नियमित रूप ले दुर्ग ले फिरोजपुर के बीच चली। मुख्यमंत्री ये अवसर में प्रधानमंत्री रेल मंत्री के आभार व्यक्त करीस। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहाई मंगलवार के रायपुर ले दुर्ग फिरोजपुर अंत्योदय एक्सप्रेस ला हरी झंडी दिखा के नवा रेलगाड़ी ला रवाना करीस। ये ट्रेन सप्ताह में एक बेरा दुर्ग ले फिरोजपुर के बीच चलही। अंत्योदय एक्सप्रेस ले गरीब लोगन मन ला एक अच्छा सुविधा मिल पाही। ये ट्रेन ले बिना रिजर्वेशन के मात्र 350 रुपया में दुर्ग ले फिरोजपुर तक यात्रा करे जा सकी। अंत्योदय एक्सप्रेस लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले चलही। ट्रेन के फेयर मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मन के तुलना में 15% अधिक होही। खास बात ये है कि यह ट्रेन पूरा तरह ले अनारक्षित होही। ट्रेन के हर बोगी में आरओ वाटर, मोबाइल चार्ज के सुविधा, मॉड्यूलर और बायो टॉयलेट होही। शौचालय उपयोग करे के जानकारी दे वाला डिस्प्ले और LED लाइट जैसी सुविधा ट्रेन ला खास बना थे। बिल्कुल नवा श्रेणी के ये ट्रेन मन में कई सुविधा दिए गए है, जेमा सामान रखे बर गद्दीवार रैक है, जेला सीट की तरह घलोक इस्तेमाल करे जा सकी। अंत्योदय एक्सप्रेस के अतिरिक्त हावड़ा बिलासपुर पुणे हमसफर एक्सप्रेस और जबलपुर बिलासपुर हावड़ा हमसफर एक्सप्रेस, ये प्रकार कुल 3 नवा ट्रेन शुरू होने जाते। डॉक्टर रमन सिंह कहिस कि छत्तीसगढ़ में पाछू 100 बछर में जितना रेल लाइन के विस्तार नहीं हुए है, उतना छत्तीसगढ़ में मात्र 5 बछर में विस्तार करे जाही। ओहा कहिस कि केंद्र रेल मंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन मन के कायाकल्प करे जाते। रेलवे स्टेशन मन के साफ सफाई और परिवेश में जो अंतर आए है, ओखर कल्पना 4-5 बछर पहले नहीं करे जा सके रहीस। छत्तीसगढ़ में रेलवे में घलोक तेजी ले सुधार करे जाते। सिंगल रेल लाइन ला डबल और ट्रिपल लाइन बनाए के कार्य तेजी ले चलत है। इही प्रकार रेलवे स्टेशन मन में एस्केलेटर, फुट ओवरब्रिज सहित अन्य आधुनिक सुविधा मन के विस्तार करे जाते। आज दुर्ग से आप देख रहे हैं कि एक नई ट्रेन की शुरुआत रायपुर से हमने किया है और ये अंत्योदय एक्सप्रेस के नाम से दुर्ग रायपुर होते हुए दिल्ली, दिल्ली से फिरोजाबाद की तक यात्रा करेगी। ये गरीबों के लिए वो अंत्योदय के नाम के अनुसार एक सर सुविधा युक्त रेल, जो कम से कम किराया 335 रुपया 340 रुपये के किराए में और समय के पहले 20-21 घंटे में पहुंचाने का फर्स्ट ट्रेन के रूप में इसको स्थापित किया गया है और ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। 2 नई ट्रेन और छत्तीसगढ़ को सौगात मिल रहा है। माननीय पीयूष गोयल के नेतृत्व में रेलवे का कायाकल्प की दिशा में आगे बढ़े हैं। नई नई सुविधाएं, एस्केलेटर हो, लिफ्ट के हो और रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा करने का मुहिम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम चल रहा है। ये अपने आप में रेलवे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा राजस्व भी देता है रेलवे को। हम उम्मीद करते हैं कि और छत्तीसगढ़ के लिए नई सुविधाएँ प्राप्त। अंत्योदय एक्सप्रेस के भाटापारा में स्टॉपेज पर रेल मंत्री ले मुख्यमंत्री चर्चा करे के बाद कहिस। लिहाजा ये ट्रेन के शुरू होए ले बिना आरक्षण के लंबा दूरी तय करे वाला मंडला लाभ मिल सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। कांग्रेस में संकल्प शिविर के दौर अब भी जारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार सबो विधानसभा में जहां बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति करत है उन्हें अनुभाग प्रभारी घलोक बनाते, जिनला प्रशिक्षण दे बर पार्टी के वरिष्ठ नेता जुट चुके हैं। जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश प्रवास पर पहुंची। राहुल गांधी के आए ले पहले प्रदेश के सबो विधानसभा में बूथ अध्यक्ष और अनुभाग प्रभारी मन के नियुक्ति करे जाते, संगे वही ओमन ला प्रशिक्षण दिए जाते ताकि ओमन राहुल के सभा में कोनो भी तरह ले अप्रशिक्षित ना हो। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया बताइस कि एकर बर युद्ध स्तर के कार्य करे जाते। पार्टी के वरिष्ठ नेता एमन ला प्रशिक्षित करे में लगे हुए है। ओमन के मानंत राहुल के आए ले पहले ये कार्य पूरा कर लिए जाही।
आप मनला बता दन कि बूथ अध्यक्ष और अनुभाग प्रभारी मनला पार्टी मैनेजमेंट के गुड़ सिखाए जाही, संगे माही कांग्रेस के उपलब्धि मनले ओ मनला अवगत कराए जाही। इही तरह पार्टी के इतिहास के जानकारी देत हुए ओमनला भाजपा सरकार के असफलता और घोटाला मनला बताए जाही, ताकि ओमन आम जनता के बीच जाके भाजपा सरकार की पोल खोल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। एक तरफ जिहां पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हा अपन जन्मदिन मा पन्ना सम्मेलन के आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन कीस, उहे मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ले जब पूछे गईस कि क्या ओ भी अपन जन्मदिन मा शक्ति प्रदर्शन करही, तो ओहा पहले अजीत जोगी के शक्ति प्रदर्शन करे मा बधाई दीस, संगे माही खुद के जन्मदिन मा ऐसे कुछ नहीं करे के बात कहीस। ब्रिजमोहन हा साफ शब्द मा कहीस कि मैं हा कबो शक्ति प्रदर्शन नहीं करे हो और ना ही करबो। मैं कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं करता हूँ और ना करना चाहता हूँ और ना करूँगा। थाना के मालखाना में रखे गए 1,25,000 लीटर शराब के नष्टीकरण सरस्वती नगर थाना में मंगलवार के करे गए। एकर पहले ये कार्रवाई मुजगहन क्षेत्र में करे गई रही से। न्यायालय ने आदेश मिले के बाद एसएसपी के निगरानी में 29 थाना ले ट्रक मंडले लाद के शराब लाई गई और जमी दोज करे गई। रायपुर जिला के विभिन्न थाना मन के मालखाना में कई बच्छर ले जब्त शराब के पुलिस प्रशासन हा मंगलवार के जमीन दोज कर दीस। 1,25,000 लीटर शराब के बोतल मन मा बुलडोजर चला के ओला नष्ट करे गईस। राजधानी के सरस्वती नगर थाना मा एसएसपी अमरेश मिश्रा के निगरानी मा शराब के बोतल मन ऊपर बुलडोजर चलाई गईस। जिला के 29 थाना मन ले ट्रक मा भर के शराब सरस्वती नगर लाई गई से। ट्रक मा भर के कई हजार कार्टून मा पैक शराब की बोतल लाई गई। एक एक करके कार्टून मन ला गड्ढे मा डाले गई। जेला 10x4 के गड्ढा मा डाल के जमी दोज करे गई। नष्टीकरण की कार्रवाई कोर्ट और आबकारी विभाग के आदेश में पुलिस थाना परिसर में करे गई। ये कार्रवाई के दौरान ग्रामीण मन के भारी भीड़ थाना परिसर में जुटी रही। डॉक्टर साहब और आबकारी विभाग से स्वीकृति करा के नष्टीकरण का प्रक्रिया किया जा रहा है, जिसमें आज द्वितीय चरण में कम से कम 1,25,000 लीटर शराब की नष्टीकरण की जा रही है सरस्वती नगर थाने में। पूर्व में जो 36 और जो मामले थे अन्य मामले, उनका नष्टीकरण मुजगहन थाने में 30 थाने का लगभग 10,000 लीटर शराब नष्टीकरण किया जा चुका है। बहरहाल शराब के नष्टीकरण के अलावा गाड़ी मन के राजछात करे के घलोक पुलिस पहल कर रहे। कोर्ट ले आदेश आते ही राजछात कार्रवाई शुरू करे जाही। देश टीवी पर कैमरा पर्सन ऋषि नेताम के संग स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट।